आगे बात नागौर के डीडवाना की करते हैं, जहां पर एक शराबी कार चालक की करतूत से इलाके के लोग डर गए। कई किलोमीटर तक चालक गाड़ी को दोपहिए पर दौड़ाता रहा, यानी स्टंट करता रहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी चालक को पकड़ लिया। कार से एक महिला भी निकली। महिला ने कार चालक पर आरोप लगाए कि विधवा पेंशन के नाम पर वो उसे बहला फसला कर ले जा रहा था, लेकिन विरोध करने पर लोगों ने उसे घेर लिया। इसी दौरान लोगों ने गाड़ी के टायर्स जो थे उनकी हवा निकाल दी। गाड़ी इसी अवस्था में वो दौड़ाता रहा, वो गाड़ी चलाता रहा, गाड़ी के दोनों टायर निकल गए और रिम भी टूट गई। गिरफ्तारी के बाद शराबी चालक थाने में जमकर नौटंकी करता भी नजर आया। आप देखिए, ये वो तस्वीर जब गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। जैसा बताया जा रहा है कि गाड़ी के दोनों टायर पूरी तरीके से बस्ट हो चुके थे, रिम जो उसकी स्टेपनी थी वो भी टूट गई थी, और बावजूद इसके रोड पर बेसुध होकर दौड़ाता हुआ ये कार चालक नजर आ रहा था इस गाड़ी को। उसके बाद लोगों ने पकड़ लिया। जी मीडिया संवाददाता हनुमान तवर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। हनुमान, क्या कुछ इस मामले में और आपके पास जानकारी, अभी तक कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हुआ? देखिए, आशीष, बता देना चाहूंगा कि ये शराबी कार चालक ने पूरे शहर में दहशत का माहौल ने पीछा करके इसको राउंड अप किया और तत्काल उस समय ही गिरफ्तार कर लिया था, और उसकी जो कार थी उसको भी जब्त कर लिया था। आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद संभवतः उसे, क्योंकि कल 151 में गिरफ्तार किया गया था, तो हो सकता है कि आज उसको रिहा मिल जाए। जी, चलिए, आपकी आवाज भी स्पष्ट नहीं आ पा रही हनुमान, और कोशिश करेंगे कि आपसे एक बार फिर से जुड़ें ताकि स्पष्ट तौर पर आपसे बातचीत कर सकें और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ और जानकारी आपके पास है वो भी साझा कर सकें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिलहाल दो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जैसा हनुमान बता रहे थे कि आज इसको गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल ही इसको जब गिरफ्तार किया गया तो जिस अवस्था में कार चलाता हुए दिखाई पड़ रहा था उसी दौरान इसे रोककर पहले लोगों ने रोका, पुलिस के हवाले किया, और उसके बाद कार्रवाई जो पुलिस की तरफ से हो सकती है इस मामले में, जिन जिन धाराओं में केस दर्ज हो सकते हैं वो पुलिस की तरफ से इनिशिएट किया जा रहा है।